कैसे पकौड़े बने? बढ़िया है, सबको बहुत अच्छे लग रहे हैं। हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत स्वस्थ और मस्त होंगे। तो जैसे आप लोगों ने देखा कि हमारी धान की आधी कटाई हो चुकी है और आधी कटाई अभी बची। अभी तक जो है बहुत सारे कटवाया है, काट रहे थे सब लोग, और अब हमारे खाने का टाइम हो गया तो हम लोग जा रहे हैं कुछ खाना बनाने। तो यहाँ पे हम लोगों ने बनाने के लिए स्टार्ट कर दिया है खाना। खाने में आज हम लोग बना रहे हैं बहुत ही सिंपल और साधारण सा लंच, जो कि हमारा होने वाला है कढ़ी चावल और रोटी। तो ये देखिए, कढ़ी के लिए फाइनली हम लोगों ने बनाना शुरू कर दिया है। हम बना रहे हैं पकौड़ियाँ सबसे पहले। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बेसन का वो लगा लिया है और प्याज और भटा वटा काटे होगा ये। अच्छा, बैगन भी मिक्स करके इसमें बनाया है, इसलिए इतनी अच्छी दिख रही है। सारी चीज काट के इसमें बना रखी है। ये देखिए फ्रेंड्स, इतने निकाल लिए हैं। अभी मैं जा रही हूँ उन लोग को देने। सबसे पहले हम लोग देंगे ये बाबा जी को, क्योंकि बाबा जी है हमारे लिए सब कुछ, वही हमारा सारी चीज करते हैं। तो पहले उनको दिया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, मैं देख के आती हूँ सबसे पहले ये पकौड़े और वो दादाजी लोगों को और सभी को घर में, देखते हैं कैसा है, बताते हैं बाबा टेस्ट करके। बाबा जाओ पकौड़े पहला। ये देखिए सबसे पहले बाबा जी। अब बाबा बीड़ी में पियो पकौड़े खा ले आपने। अरे बीड़ी बीड़ी में पियो पकौड़े खा ले। ये देखिए सबसे पहले ये लोग अभी बाबा बीड़ी पी रहे हैं। खा के टेस्ट करके बताते हैं ये लोग कैसे बने। टेस्ट करके बताओ मैं कैसे कुछ। दादा भाई तुम दादा देखिए फ्रेंड्स, दादा जी की ना बीड़ी नहीं छूटनी चाहिए, और चाहे सब छूट जाए बीड़ी तो वो हमेशा पीते हैं। बाबा तुम हम बड़े बहुत पसंद सही हो मैं ब्लॉग में मतलब बा देखिए पूछते हैं कैसे टेस्टी है। पता नहीं क्या है कि उस चीज के बैगन के बनाए लग रहे हैं मिक्स करके। अच्छे लग रहे दोस्तों का बता दिया फिर से कि दोस्तों बहुत अच्छे हैं। अच्छे हैं, बढ़िया। आप लोग भी आइए, आप लोग भी आइए, पकौड़े खाइए, पकौड़े खाइए, आनंद लीजिए पकौड़ों का। अच्छे हैं, टेस्ट करते हैं, देखते हैं कैसे बने हैं पकौड़े। क्या कहा वाह तुम इनका काफ़ी था कहाँ। कैसे पकौड़े बने? बढ़िया है, सबको बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो ये लोग अपने पकौड़े का आनंद ले रहे हैं, तब तक हम लोग और तैयारी कर लेते हैं अपनी बाकी खाने बनाने की। मिर्ची तो ये लोग बहुत मिर्ची वाले हैं, स्पाइसी हैं, बहुत मिर्च डालेंगे। मिर्च तो खाते हैं, थोड़े तेज मिर्च खाते हैं। और ये देखिए यहाँ बाबा जी अपनी तिजोरी से कुछ निकाल रहे हैं। Thank you.
देखिए फ्रेंड्स, अभी हम लोग डालेंगे इसमें हींग। ये मैंने हाथ में ले रखी है इतनी सारी हींग से कढ़ी बहुत अच्छी आती है, सेहत के लिए भी हमारी हींग बहुत अच्छी होती है। डाल दी है मैंने और इसको चला देते हैं फाइनली। पक रही है अभी कढ़ी, इतने पकौड़े बचा लिए हैं, ऊपर से थोड़े से डालेंगे। और ये देखिए यहाँ पे हमने बना के रखे हुए हैं चावल, आज का बहुत ही सिंपल साधारण। फाइनली गाइस हमारी कढ़ी बनके तैयार हो चुकी है, देख सकते हो कैसी बनी है, कमेंट करके बताइएगा। उस साइड हमारे चावल बन चुके हैं, यहाँ पे हम लोग आटा लगा रहे हैं अभी में, इसे पलट लेते हैं इसमें, क्योंकि ये लोहे की कढ़ाई है तो काली पड़ जाती है, कढ़ी जो है काली पड़ जाएगी, फिर वो अच्छी नहीं लगेगी दिखने में, इसलिए इसको हम लोग इसमें ट्रांसफर कर लेते हैं, पूरा डाल देते हैं। Thank you.
मैं दिखाती हूँ उनकी वीडियो, पता है बल्कि बढ़िया गाना सुना दे आप। देख सकते हो कितने अच्छे से इसी में फूल गई है, पूरी गोल गोल हो गई है। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहली थाली देके आते हैं हम लोग बाबा जी के लिए, देखते हैं क्या कर रहे हैं। दादा खाना खा के टेस्ट करके बताएंगे कैसा बना है। दादा जाओ खाना। ये देखिए दादाजी के लिए हम लोग लेके आ गए हैं आज कढ़ी, कढ़ी चावल और रोटी। खा के बताओ
दादाजी अभी खा के टेस्ट करके बताते हैं कैसा बना है। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा बना होगा, खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। चलो ये सब तक खाना खाते हैं, मैं जा रही हूँ अंदर, पानी भी लिया, पानी दे आते हैं उनको। दोस्तों खेतों में अभी हम लोग धान काट रहे हैं, और कैसी लगी आपको हमारे धान की कटाई कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाय बाय, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।